Art School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर जम्मू शहर के सिदड़ा में भगवान वेंकटेश्वर के भव्य मंदिर का निर्माण कल शुरू हो गया। जम्मू पहुंचे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल सुबह सिदड़ा में भूमि पूजन के बाद शिलान्यास किया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष YV सुब्बा रेड्डी व जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मंदिर का निर्माण 62.02 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हाल ही में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को ये भूमि अलॉट की गई है। इस मंदिर के निर्माण से जम्मू में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जिला पुंछ में बीते दिन सुबह तड़के करीब 3 बजे आंधी तूफान ओलावृष्टि ने कहर बरपा दिया, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तूफान के कारण बिजली की तारे खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तूफान के दौरान एक 24 वर्षीय युवक मंगनाड़ में सुबह अपने माल मवेशी को देखने गया था, जिस कच्चे मकान में मवेशी रखे गए थे उसकी छत भरभरा कर नीचे गिर गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस युवक की और मवेशी की छत के मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। पहलगाम के तहसीलदार डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने पहलगाम के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सभी केंद्रों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने लोंगरीपोरा एशमुक्कम में मेला खीर भवानी के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का भी समीक्षा की। उन्होंने कर्मचारियों को लामबंद किया और लकड़ीपुरा मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कोरोना मामले कम होते ही प्रसिद्ध मचेल यात्रा की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में रविवार को हेलीकॉप्टर सेवा के लिए टेंडर करवाए गए। वहीं DC अशोक कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि कोरोना की चेन टूटने पर ही मचेल यात्रा होगी। प्रशासन का प्रयास रहेगा कि मचेल यात्रा चले। वहीं उन्होंने कहा कि अभी किसी को भी मचेल जाने के लिए इजाजत नहीं दी गई है। किसी के कोरोना पॉजिटिव आने पर स्थिति वहां बिगड़ सकती है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के वूलर झील और उसके आसपास के क्षेत्रों में विशेष टीकाकरण और सैंपलिंग ड्राइव का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जुर्मिन्ज गांव में घर घर जाकर वूलर लेक के किनारे व आसपास के लोगों का टीकाकरण और सैंपलिंग ड्राइव चला रहे हैं। ये इलाका बांदीपुरा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है और लगभग यहां पर 70 लोगों का टीकाकरण किया गया, जो 45 आयु वर्ग से अधिक थे। जम्मू में कोरोना संक्रमित मामलों में गिरावट के साथ एसोसिएटेड अस्पतालों में OPD सेवाएं बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। सुपर स्पेशलिटी और साइकेट्री अस्पताल के बाद सोमवार यानी आज 14 जून से शहर के प्रमुख जच्चा बच्चा अस्पताल शालामार SMGS अस्पताल में OPD बहाल कर दी है। हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन और OPD क्षेत्र में कोविड SOP का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसमें मरीज के साथ एक ही तीमारदार को आने की इजाजत है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में डावरे इस्लामी एक स्वयंसेवी संस्था FGRF फैजानी ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन द्वारा कोरोना महामारी के बीच मानवता की सेवा के लिए श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लेकर रक्तदान किया। जम्मू यूनिवर्सिटी ने केंद्र और वैश्विक स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। यूनिवर्सिटी ने वैश्विक स्तर पर 1682वां अंक प्राप्त किया है। देश के 2000 विश्वविद्यालयों में से जम्मू यूनिवर्सिटी को 47वां स्थान मिला है। बताया गया है कि पहली के बजाय अब जम्मू यूनिवर्सिटी का अधिक विकास हो रहा है। दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड के कार्विज बे में शुक्रवार को शुरू हुई G7 देशों के सम्मेलन से चीन बुरी तरह चिढ़ गया है। G7 समूह को अपने खिलाफ गुटबाजी के तौर पर देखते हुए चीन ने रविवार को धमकी भरे अंदाज में कहा कि वो दौर काफी पहले खत्म हो चुका है, जब कुछ देशों के छोटे समूह दुनिया की तकदीर का फैसला करते थे। लंदन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा,
कि हम हमेशा ये मानते हैं कि देश बड़ा हो या छोटा, मजबूत हो या कमजोर, गरीब हो या अमीर, सभी बराबर हैं और दुनिया से जुड़े मुद्दे पर सभी देशों की सलाह मशवरा के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने रविवार को पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, शोपियां, कुलगाम, गांदरबल, बांदीपुरा सहित केंद्र शासित प्रदेश के 8 जिलों में कोविड-19 रोकथाम उपायों में और ढील देने की घोषणा की है। जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में यूटी के 8 जिलों में कुछ गतिविधियों को और छूट दी गई है। आदेश के अनुसार शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में पूरे दिन नाइयों की दुकानें, सैलून, पार्लर को खुले रहने की अनुमति दी गई है।